नमस्ते दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में हम नुकसान से कैसे बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यूज़ वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जैसे कि शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम मॉनिटर करके कुछ चीज़ों का एनालिसिस करके हम अपने लॉस को बच सकते हैं और अपना पैसे को बचा सकते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों का एनालिसिस नहीं करते हैं और कुछ न्यूज़ के बेस पे कोई स्टॉक ले लेते हैं किसी दोस्त ने रिकमेंड किया किसी फ्रेंड्स ने दोस्त ने किसी रिलेटिव ने स्टॉक बोल दिया ये स्टॉक ले लो इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ये ले लो ये न्यूज़ आया तो इसमें ले लो और ऐसा इन्वेस्ट करते हैं लोग और जिससे उनको क्या होता है आगे चल के ह्यूज लॉस होता है जब मार्केट रैली मोड में होता है तभी तो फ़ायदा होता है बट आगे चल के उनको लॉस पे लॉस होता जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो लोग कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एनालिसिस नहीं करते किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले उसका एनालिसिस नहीं करते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो एनालिसिस करना चाहिए कभी भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होता है वो कुछ चीज़ें होती है वो उसको एनालिसिस करके ही वो कंपनी में बाई करता है और लॉन्ग टर्म में मैं बोलता हूँ क्रिएट करके जाता है और अगर अच्छी कंपनी है फंडामेंटल्स अच्छी कंपनी है तो उसमें लॉन्ग टर्म में वो बना रहता है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा आइए देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं जो कि हमको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमको एक बार देखना चाहिए दोस्तों किसी भी कंपनी का आप शेयर लेते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कंपनी अपने सेक्टर का लीडर होनी चाहिए पहली चीज़ें जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव कंपनियाँ लिस्टेड हैं बट उसमें लीडर कौन है? टी सी एस इन्फोसिस विप्रो ये सब कंपनियाँ लीडर हैं तो इन सब कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में यूज़ वेल्थ क्रिएट करके देता है उसके बाद हम देखते हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए कंपनी का सेल्स जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर टू थाउजेंड वन से जैसे मान लीजिए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चल रहा है तो टू थाउजेंड वन से आप ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी ने सेल्स ग्रोथ कितना दिया है कंपनी का पास्ट हिस्ट्री अच्छा है तो ये देख के हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देगी ये चीज़ हम उसके सेल्स ग्रोथ के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं सेल्स ग्रोथ देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके बाद सेम देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए कंपनी ने प्रॉफ़िट अच्छा दिया है और ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रही है इसका मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दे सकती है फ्यूचर में तो इस चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए कभी कभी क्या होता है कि एक दो साल के लिए कभी सेल्स और प्रॉफिट गिर जाते हैं बट अगर अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी है जैसे टी हो गया एच बैंक हो गया रिलायंस हो गया अगर अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ बना के देगी ही देगी थर्ड चीज़, चीज़ है फोर्थ चीज़ है यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो एन नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होनी चाहिए अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छी नहीं है तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकती है तो सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कंपनी ने अपना कितना मार्जिन बना के लिया है तभी अपने इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न दे सकता है उसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपने इक्विटी के ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न बना के दिया है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है तो ही अपने इन्वेस्टर्स को वो वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये सब पॉइंट देखने के बाद दोस्तों अगर आप ये नहीं देखते हो तो देखना ही चाहिए ये जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ये देखना ही चाहिए अगर किसी कंपनी में आई अच्छे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है का मतलब कंपनी डेप्थ फ़ी है तो ही आपको बाई करना चाहिए अगर ये सब चीज़ें हैं और कंपनी डेप्थ बर्डन है तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा और आपका पैसा लॉस पर लॉस होता जाएगा आपका पैसा फिर आप बोलेंगे कि मेरा को मेरा लॉस हो रहा है तो इससे अच्छा ये है कि ये सब देखने के बाद सबसे पहले आप ये देखिए कंपनी का डेप्थ बर्डन कितना है कंपनी डेप्थ फ़ी है तो ही आप बाई करो नहीं तो मत बाई करो नहीं तो दूसरी कंपनी जो टेफ फ्री कंपनी है वो आप बाई कीजिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप बाई करके लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज वैसी वेस अगर कंपनी का अच्छा है तो आप बाई कीजिए और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको हर कंपनी में एनालिसिस करना चाहिए ये आप कहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं ये आप बी इंडिया की साइट पे जाके और एनालिसिस कर सकते हैं उसमें कंपनी का डिटेल डालेंगे तो पूरा फाइनेंशियल ट्रेंड उसका प्रॉफिट उसमें देख सकते हैं एन चेक कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर सकते हैं और पी ग्रुप के साथ कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि कंपनी लीडर कौन है उस सेक्टर में लीडर कौन है अगर लीडर कंपनी आप ख़रीदते हैं तो आपका दोस्तों वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको किसी भी कंपनी का शेयर बाई करने से पहले ये सब एनालिसिस करना ही चाहिए कि अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं सिर्फ न्यूज़ के बेस पे लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता हो पैसा बन जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा और ये जो चावल पाँचों छः चीज़ों मैंने चीज़ें मैंने डिस्कस किया लाइक लीडर इन सेक्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ एन पी एम आर ओ ई एंड आई सी आर ये सारी चीज़ें अगर कंपनी की अच्छी हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मैनिपुलेट हो जाता है ये होता है वो होता है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये पाँचों छः चीज़ों जो जो मैंने डिस्कस किया यही छः चीज़ें काम आती हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ एन पी एम आर ओ आई सी आर ये सब अच्छी हैं तो लॉन्ग टर्म में कुछ भी होने दीजिए कोई भी स्टॉक मैनिपुलेट होने दीजिए लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा तो दोस्तों आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका कुछ वैल्यू एड किया होगा ताकि आप स्मार्ट तरीके से फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसी ही वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद